अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जनाब, आज मैं जो लेक्चर आप लोगों को देने जा रहा हूँ वो है फाइबर रिलेटेड, ठीक है। क्योंकि फाइबर के हवाले से पहले मैंने आप लोगों को जो आप लोगों को पूरा कोर्स करवाया था उसमें मैंने एक वीडियो वहाँ पे ये भी बनाई थी कि आप लोगों ने अपना इंग्लिश स्किल टेस्ट किस तरह से पास करना है। तो इंग्लिश स्किल टेस्ट के हवाले से जो वीडियो मैंने आप लोगों को बनाकर दी थी उसमें एक बंदे का कमेंट आया था कि मेरा जो मेथड है ना वो वर्क नहीं कर रहा, मेरा मेथड फेल हुआ है। इसी वजह से मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को जो है ना ये फाइबर इंग्लिश स्किल टेस्ट के हवाले से भी मजीद बता दूं। अब आज मैं आप लोगों को जो बता रहा हूँ ना वो मोबाइल के ऊपर बता रहा हूँ। वो क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये जो टेस्ट है ना वो मोबाइल के ऊपर ही आप लोग पास कर सकते हैं, ठीक है। मैंने आप लोगों को जो मेथड वहां पर बताया था अगर किसी को समझ नहीं आया तो आज मैं मोबाइल के ऊपर एक एक चीज आप लोगों को क्लियर करवा देता हूँ, ठीक है जनाब। चलते हैं हम आज के अपने लेक्चर में। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने जाना है प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में जाने के बाद आप लोगों ने एक ऐप है उसका नाम है ब्रेनली, आपने इसको जो है ना डाउनलोड कर लेना है, ब्रेनली ऐप, ठीक है। जो ही आप इसको यहाँ पे ये देखो ये ऑलरेडी मैंने इसको जो है ना डाउनलोड करके रखा हुआ है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इसको डायरेक्ट ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद आप लोगों को यहाँ पर नजर आ रहा होगा इस ऐप का जो है ना इंटरफेस को इस तरह से आएगा। आप लोगों को मैं एक एक चीज यहाँ पे बताऊंगा, एक एक चीज आप लोगों को सिखाऊंगा, ठीक है। अब इसी तरह से इसका इंटरफेस आएगा। यहाँ पे सबसे पहले वो आप लोगों से रजिस्ट्रेशन मांगेगा, आप लोगों ने क्या करना है इसको रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद आप लोगों को जो है ना एक एक यहाँ पे जब आप इसमें रजिस्टर हो जाओगे तो आप लोगों के पास कुछ इस तरह से इंटरफेस हो जाएगा। मैं यहाँ पे आप लोगों को मी के ऑप्शन में दिखाता हूँ, मी में भी आप लोग किस तरह करेंगे। ये टेक्स्ट बुक है, ये गिव आंसर है, ये सर्च है। आपने यहाँ पे सर्च वाले पोर्शन में जाना है। सामने आप लोगों को लिखा हुआ है स्नैप टू सॉल्व। स्नैप टू सॉल्व के ऊपर जो ही क्लिक करोगे तो आप लोगों के पास एक कैमरा ओपन हो जाएगा, ठीक है। स्नैप टू सॉल्व के ऊपर आप लोगों के पास सबसे पहले दो ऑप्शन आएंगे। एक तो ये है कि आप लोगों को ऊपर वाला देखो और नीचे वाला देखो। नीचे वाले के ऊपर आप लोगों को क्या करना है, स्कैन क्वेश्चन के ऊपर सिलेक्ट करना है। जो ही स्कैन क्वेश्चन के ऊपर सिलेक्ट करेंगे तो आप लोगों के पास एक कैमरा ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब इसी कैमरे के अंदर आप लोगों ने क्या करना है, उसी क्वेश्चन को स्कैन करना है। अभी मैंने लैपटॉप के ऊपर एक क्वेश्चन को मैंने ओपन किया हुआ है। अब वो क्वेश्चन मैं यहाँ पर स्कैन कर देता हूँ, आप लोगों को दिखाता हूँ। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला क्वेश्चन मैंने क्या किया, इसको स्कैन करना है। सेम आप लोगों ने इसी क्वेश्चन को सेंटर में रख के आपने इसको क्या करना है, अब इसी को आपने क्या करना है, इसकी इमेज बनानी है। इमेज बनाने के बाद इसको आप लोगों ने क्रॉप करना है, सिर्फ वही क्वेश्चन को लेकर आना है और इसको यूज एज फोटो करना है। जो ही आप यूज एज फोटो करके ये इसको थोड़ी बहुत स्कैनिंग करेगा, स्कैनिंग करने के बाद ये आप लोगों को यहाँ इस तरह से आंसर शो करवा देगा, ठीक है। अब आंसर वेरीफाइड, अब यहाँ पे उसने कहा कि आंसर इसका क्या है, इसका आंसर 2 है। यहाँ पे आप इसको पढ़ो। अच्छा, ऊपर आप लोगों ने कौन सा आंसर सेलेक्ट करना है, आप लोगों को ऊपर यहाँ पर नजर आ रहा होगा 5 स्टार इसकी रेटिंग है और 5 इसकी लाइक्स हैं, ठीक है। सेम इस तरह से अगर थोड़ा सा नीचे करोगे तो नीचे भी इसका आंसर आप उसने बता दिया कि 5 स्टार इसकी रेटिंग है और 9 इसके लाइक हैं, इसका आंसर उसने 2 बता दिया है। और अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे लैपटॉप के ऊपर दिखा दूं, लैपटॉप के ऊपर बल्कि इसका आंसर 2 ही है, ठीक है, T002 इसका आंसर है। तो ब्रेनली ऐप आप लोग इस तरह से यूज कर सकते हो। तब जब मैंने आप लोगों को ये मेथड बताया था ना कि आप लोगों ने इसको किस तरह से यूज करना है, उस वक्त जो है ना ब्रेनली ऐप थोड़ा बहुत इशू कर रहा था, इसलिए मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक है। अगर ब्रेनली ऐप आप लोगों के पास इशू कर जाए तो आप लोगों ने क्या करना है, सीधा क्रोम में चले जाना है, ठीक है। क्रोम में जाने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे सर्च में लिखना है, ठीक है। आप लोगों ने क्या करना है, सर्च में लिखना है। अब सर्च में आप लोगों ने क्या लिखना है, अभी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन आप लोगों का होगा, थोड़ा बहुत आप लोगों ने क्वेश्चन लिख लेना है, ठीक है। क्वेश्चन आपने लिखना है, ठीक है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब आगे खुद ब खुद आ गया मेड पिक्चर, आपने इसके ऊपर सिलेक्ट करना है, सिर्फ इसी के ऊपर सिलेक्ट करना है। जो ही आप सिलेक्ट करेंगे तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि पहली वेबसाइट आप लोगों के पास brainly.ni की आ गई, ठीक है। NI का क्या मतलब है, इंडिया का कोई एक मेरे ख्याल में कोई वेबसाइट है। सब पहली वेबसाइट आप लोगों के पास कौन सी आ गई, ब्रेनली की आ गई। अब जो ही मैं पहली वेबसाइट के ऊपर क्लिक करूंगा तो वो मुझसे यहाँ पर पूछेगा, ठीक है, कि अब ये डायरेक्ट सीधा उसने कहाँ पर ओपन कर दिया, ब्रेनली ऐप के अंदर ओपन कर दिया। तो आप लोगों से पहले पूछेगा कि आप लोग इसको गूगल क्रोम के अंदर ही ओपन करना चाह रहे हैं या आप लोग इसको ब्रेनली ऐप में ओपन करना चाह रहे हैं। तो आप लोगों ने वहां से ब्रेनली ऐप सेलेक्ट कर देना है तो तब जाके ब्रेनली ऐप के अंदर आप लोगों को ये आंसर शो करवा देगा। तो मैंने आप लोगों को इस तरह से मेथड बताया था। बाकी यहाँ पे आप लोगों को मैं जो भी क्वेश्चन बताता हूँ सेम मैं वही कोई और क्वेश्चन, अभी इसी को मैं दोबारा सेलेक्ट करता हूँ। जो ही मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, इसी क्वेश्चन को, पहले क्वेश्चन को मैं जो ही यहाँ पर सिलेक्ट करूंगा तो ये मुझे ऑप्शन देगा। ये देखो भी उसने खुद ब खुद ब्रेनली ऐप ओपन कर दी है, क्योंकि मैंने इसको अलाउ किया हुआ है कि मुझे जो भी क्वेश्चन मेरा है ना उसको ब्रेनली ऐप के अंदर शो करवा देना। अगर मैंने इसको अलाउ ना किया होता तो ये सीधा के सीधा ये जो है ना क्रोम के अंदर ओपन जाता और क्रोम के अंदर थोड़ा बहुत टाइम लेता आप लोगों का, टाइम बचाने के लिए, क्योंकि 40 मिनट के अंदर 40 क्वेश्चन ही होते हैं और 40 क्वेश्चन को आप लोगों ने सोल्व करना था। तो ब्रेनली ऐप के जरिए आप जो है ना इसको इजिली आप इसको जो है ना सोल्व कर सकते हैं और आप लोगों के मार्क्स अच्छे आ जाते हैं।
इसी तरह से आप लोग ने अपने फाइबर का टेस्ट क्लियर करना है, ठीक है। बाकी फाइबर के टेस्ट के हवाले से मजीद अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझे बता दें ताकि मैं आप लोगों की मजीद रहनुमाई कर सकूँ। आप लोगों के सामने मैंने ये डाउनलोड किया, आप लोगों के सामने मैंने इसको ओपन किया, आप लोगों के सामने मैंने स्कैन किया, आप लोगों के सामने इसने क्वेश्चन का आंसर दिया और सामने मैंने आप लोगों को गूगल क्रोम के अंदर जाकर ये क्वेश्चन लिखा। क्वेश्चन लिखने के बाद पहली वेबसाइट ब्रेनली की आ गई, उसके ऊपर जो ही मैंने क्लिक किया आप लोगों के पास दो ऑप्शन देगा जब आप लोग उसको न्यू इंस्टॉल करोगे, एक आप लोगों के पास क्रोम ब्राउजर का देगा और एक आप लोगों के पास ब्रेनली ऐप का देगा, ठीक है। वो कहेगा कि क्रोम ब्राउजर में उसको जो है ना ओपन करना है या ब्रेनली ऐप के अंदर ओपन करना है। आपने ब्रेनली ऐप सेलेक्ट करनी है, क्रोम ब्राउजर के मैं इसलिए नहीं करना क्योंकि बाद वक्त नेट की स्पीड काफी ज्यादा स्लो होती है और वो वहां पर टाइम लेता है उसको जो है ना ओपन होने में। ब्रेनली ऐप के अंदर जल्दी ओपन हो जाएगा और आप लोगों को आंसर दिखा देगा। तो इसी तरह से आप लोगों ने अपना टेस्ट क्लियर करना है और यहाँ पर बेशुमार लोग हैं जो कि इसी से अपना टेस्ट क्लियर करते हैं और उनका टेस्ट क्लियर हो चुका है, 10-10 मार्क्स भी आए हैं, 9-9 मार्क्स भी आए हैं। तो इसी तरह से होता है आप लोगों का ये तमाम चीज, ठीक है। बहरहाल आप लोगों को मजीद अगर इस हवाले से कोई भी मसला हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं और मैं आप लोगों को बताने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। तो आज का हमारा जो फाइवर का टेस्ट का लेक्चर था वो इतना ही था, बाकी मजीद इसके लेक्चर जो भी होंगे मैं आप लोगों के पास लेकर आऊंगा। और इसके हवाले से कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोगों ने कहाँ पर जाना, सीधा कमेंट सेक्शन में जाकर अपना क्वेश्चन पेश करना है और आप लोगों को मैं आंसर दे दूंगा, ठीक है जनाब। ओके जनाब, अल्लाह हाफिज़।